Hey guys, how are you all? Welcome back to another vlog. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, और फिलहाल अपने शहर दिल्ली में. तो फ्रेंड, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि अपनी गाड़ी कंप्लीट रिस्टोर हो चुकी है, लेकिन गाड़ी के अंदर अभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं. वो शॉर्ट आउट करानी है. प्रॉब्लम इन देंस है, जिसके साइड मिरर है वो फोल्डेबल, उसका वर्क नहीं कर रहा है और एडजस्टमेंट भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी वायरिंग जो थी, वायरिंग चल रही थी, साइड मिरर खोल दिए गए थे, तो वायरिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाई. तो उसकी वायरिंग प्रॉपर करानी है हमें, और साथ ही साथ ये गाड़ी अपनी सीएनजी पर मिसिंग कर रही है. सीएनजी पर ही, पेट्रोल पे सब बढ़िया चल रहा है. सीएनजी में जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कराने वाले हैं. और साथ ही साथ इसके जो हमने 70 मैट थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, फट रहे थे कई जगह से, तो वो हमने हटा दिया था. तो मैट वगैरह भी डलवाना है, इसमें नॉर्मली मैट डलवाने वाले हैं, लेकिन जो मेन काम है अपना वायरिंग का, वो शॉर्ट आउट कराने वाले हैं आज वाली वीडियो में. तो हम जा रहे हैं नहापुर कार मार्केट और ये वाली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कराते हैं. तो फ्रेंड्स, हम थे रोड टेस्ट पर और आज हैं हमारे साथ दीपक भाई. कैसे हो भाई? बढ़िया. रोड टेस्ट कंप्लीट, क्या क्या कमी निकल कर आए भाई? देखते हैं, सीएनजी पे मिसिंग है, पेट्रोल पे ओके है, गाड़ी थोड़ी दबरी है, कोयल और प्लग चेक करते हैं क्या पार निकलता है. पहला तो हमारा यही रहता है ऑप्शन, मतलब पेट्रोल अपनी ओके चल रही है और सीएनजी पे मिसिंग कर रही है, झटके ले रही है. तो भाई वर्कशॉप पहुंचते हैं, प्लग वगैरह चेक आउट करते हैं. उधर कोयली खराब होती है इसमें कोयले वगैरह. होंडा, होंडा अमेज, होंडा सिटी, सब पीछे की तरफ है ना, इंजन जल्दी हीट होके कोयल को सॉर्ट कर देता है. ओके, चलो भाई जो भी ये प्रॉब्लम चेक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं. तो फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच गए हैं नहापुर कार मार्केट और ये है अपने दीपक भाई की वर्कशॉप, आके ऑटोमोबाइल्स. और फाइनली कार के अंदर काम शुरू हो गया है, बाकी चेक कर रहे हैं कि कार क्यों मिसिंग कर रही है. पहला स्टेप तो यही है, इसकी स्पार्क प्लग वगैरह चेकआउट करना और इसकी जो इग्निशन कोयल होती है वो चेक करना. तो फ्रेंड्स, अपने स्पार्क प्लग और कोयल खुल कर आ गई है. भैया ने बताया चारों ही शॉर्ट है. हैं भाई, चारों शॉर्ट? पक्की बात? तो भाई फिलहाल हम इग्निशन कोयल मंगाई, हमने इम्पोर्टेड है, क्या है एन जी के ही मंगवाई है, होंडा जेन्युइन नहीं मंगवाई, क्योंकि वो 1-6 हज़ार की आती है. बाकी ये उससे हाफ से हाफ प्राइस में है, वैसे MRP 1750 है. बाकी वीडियो के एंड में तो बता ही देंगे क्या कॉस्ट आई है प्रोडक्ट की टोटल. और बाकी चारों कोयल, बाकी भाई पहचान कैसे होती है कि शॉर्ट है? ये निशान आ रही है, ये जो ब्लैक निशान जो आ जाता है इसमें, दैट मीन जो इग्निशन कोयल है वो खराब हो गई, शॉर्ट हो गई है. कोई प्रॉब्लम तो हम छोटी लेकर आए थे, पर ये इतनी बड़ी निकल आई इसके अंदर. तो बाकी खैर कोई नहीं, मिस फायर करी थी. बाकी एक बार कोयल चारों मंगाई हैं, लगाते हैं बस, स्पार्क प्लग भी बाकी से चला कर देखते हैं. चलो भाई, चारों अपने ही इग्निशन कोयल आ गई और ये सारी अपनी NGK ब्रांड की है और इसके अंदर डेट भी डली है, 3 महीने की क्या है गारंटी वारंटी डेट कार्ड डाली है. अच्छा, ये यहाँ पर लिखी है डेट 8/9/23. बाकी दीपक भाई लाइफ तो रहती है, दिक्कत आती नहीं है, सब आती नहीं है. चलो जी, डलवाते हैं. तो फ्रेंड, टाइम फॉर अपडेट. अपनी गाड़ी में इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग कंप्लीट लग चुका है भाई, जो भी चारों रिप्लेस हुए हैं, इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग. और फिलहाल हम थे रोड टेस्ट पर, मैंने चला के देख ली और फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं, मतलब रोड टेस्ट पर हैं हमारे साथ दीपक भैया. तो भैया कितने चला चुके अब तक अपन? 3 किलोमीटर तो मारी थी, 2-3 किलोमीटर ना रोड टेस्ट. हाँ. तो कुछ फ़र्क पता चला? पहले से काफ़ी सही है, प्रॉपर. पहले रेस की आवाज आती ना, मतलब अपने वीक हो गए थे इग्निशन कोयल और स्पार्क प्लग है, अब कोई कमी पेशी गाड़ी के अंदर? और सस्पेंशन का काम है बस. लाल जो अपनी मिसिंग वाली प्रॉब्लम थी, मिस फायर करी थी, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी है, प्रॉपर सॉल्व. तो क्या है काम भाई अपनी? भी हिलनी चाहिए, हिल नहीं रही. ओके, आरपी अप एंड डाउन नहीं हो रहा ना? वैसे क्या है काम भाई अपनी गाड़ी में? कोयल और स्पार्क प्लग चारों NGK ब्रांड के डाला है हमने, होंडा जेन्युइन नहीं डाला है. बाकी भाई ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है, जो इनिशियल प्रॉब्लम आई थी, इनिशियल क्या जर्क लेके चल रही थी सीएनजी पर, मतलब ये वाली शॉर्ट आउट. अब हम क्या कराने जा रहे हैं भाई? अब हम जा रहे हैं इसके चार पांव लगवाने.
चार पाँव नहीं भाई, वो तो बाद में लगाएंगे, पहले ये जो साइड में नहीं चल रहे ना। अच्छा, हाँ क्योंकि चार पाँव लगाने पहले सस्पेंशन का काम होना है। हाँ तो अब साइड मिरर की जो है ना वायरिंग कराने जा रहे हैं, टुकड़ी लगवा ली है लेफ्ट साइड जो थी, टुकड़ी कहते हैं उसको भाई, 400 रुपये की आई है, वरना होंडा जेन्युइन तो पता नहीं कितनी की आती। खैर ये भी कंप्लीट, बाकी जो डग 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 आवाज़ जो है खड़खड़, वो सस्पेंशन का साउंड है, वो ही बहुत जल्द कराएंगे, फिलहाल वायरिंग कराते हैं। करंट टाइम फॉर अपडेट, टाइम हो रहा है अभी 3:46, अब तो चल रहा होगा अभी G20 चल रहा है, तो उस चक्कर में लॉकडाउन है। अब यहाँ पे देख लो आप कितना तगड़ा लॉकडाउन है, पूरी मार्केट भरी पड़ी है भाई। आज फ्राइडे है, इस साइड ही लगा लो आप, यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है भाई, सब कुछ काम चल रहा है पूरी मार्केट में। बाकी अपनी जो साइड में की वायरिंग देख लो भाई कैसे कैसे हो रखी है, बाकी इसको शॉर्ट करते हैं, मतलब वायरिंग वगैरह प्रॉपर करवाते हैं, इतनी मैश ना अच्छी नहीं लगती भाई, वायरिंग जितनी कम हो उतनी ज़्यादा सही रहती है। कोई नहीं, फिलहाल तो काम नहीं कर रहे थे, अब प्रॉपर ठीक कराते हैं। तो फ्रेंड टाइम फॉर अपडेट, टाइम हो रहा है अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं बस, और ये वायरिंग देख लो भाई, ये साइड में ऑटो फोल्डेबल कराने के लिए क्या क्या वायरिंग लगती है। और हमने ना एक चीज़ वो करवा रखी थी कि आप जब भी लॉक करते हो अगर चारों सीटें डाउन है तो एक ही करके सारे अप हो जाते थे, तो उसके लिए ये रीलें लगी हुई थी भाई, ये वाली, और जो अपनी चाबी होती है इसको लॉक करने से जो साइड में अंदर जो होते थे उसके लिए भी रीलें लगी हुई थी, उसकी रीलें हैं ये वाली। अब एक बार फिर से वैसी हो जाएगी, लॉक करो साइड में अंदर, वैसे अंदर बिना रीलें के तो यहाँ से होती थी कि इसको बंद करना पड़ता था, लॉक अनलॉक, जिससे आप प्रेस करोगे अंदर फिर से प्रेस करोगे बाहर, लेकिन अब हम फिर से करवा लेंगे पहले जैसे कि रिमोट से ही, इसी रिमोट से कंट्रोल हो जाएगी, लॉक करेंगे अंदर अनलॉक करेंगे बाहर। खैर टाइम लगने वाला है इसमें भी, देखते कितना टाइम लगता है बुलाने में। फ्रेंड टाइम फॉर अपडेट, टाइम हो रहा है अभी कितना हो रहा है 5:40, अपना ये वाला काम तो शॉर्ट हो गया, देख लो ये देखो, बटन प्रेस करा, अनफोल्ड, फोल्ड, अभी कवर लगना बाकी, कवर लग जाएगा, बाकी रिमोट से करके दिखाते हैं, फिलहाल तो लॉक ही है ये, अनलॉक करेंगे खुल जाएगा, दोनों का ही सेम सिचुएशन है अभी, बंद हो गया। साइड में काम करते करते पता चला कि टेल आई टी नहीं जल रही है, एक बार ब्रेक प्रेस करना भाई, ये देखो ऊपर वाली जल रही है लेकिन नीचे वाली जल ही नहीं रही, क्या खराब है भाई इसकी बल्ब, चलो भाई बल्ब भी डाल दो, ऐसे ही होता है जबकि ना कार देने से पहले सारी छोटी छोटी चीज़ें काम करी है साइड में वगैरह, बस जब ये सब ओपन हुआ ना तो वायरिंग वगैरह उनसे हो नहीं पाई और टेल लाइट का तो सीन ही पता नहीं, खैर छोटी मोटी चीज़ें हो ही जाती हैं, यूज कार है तो वो बल्ब भी डलवा रहे हैं। लो जी भाई टेल लाइट का बल्ब निकल के आ गया, काला पड़ा है पूरा भाई, हैं लो जी दो बल्ब आ गए नए, एक 40 रुपीज़ का है, ये था अपना पुराने वाला, ये है नीचे दो हैं नए वाले, चलो भाई ये भी फिट कराते हैं, ये लास्ट काम है अपना इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, बाकी साइड मिरर वगैरह ओके हो गया अपना, मतलब जो साइड मिरर वर्क नहीं करा था ना होगी कम्प्लीट वायरिंग, बाकी ये भी फिट हो जाए तो प्रॉपर बताते हैं आपको। ये लो भाई, लो जी दोनों में डल गए बल्ब, प्रेस करना भाई, लो जी ओके रिपोर्ट, एक और बार ओके। तो फ्रेंड टाइम फॉर अपडेट, टाइम हो रहा है 5:58, छोटे मोटे काम कंप्लीट हो गए सब, और मेरे साइड मिरर भी कंप्लीट हो गया बस, ये देखो लॉक के बाद पहले इंडिकेटर भी जल रहा था अब जल भी रहा है, अनलॉक बाहर दोनों ही, लॉक करा दोनों साइड मिरर अंदर, अनलॉक बाहर, देख लो भाई ये चीज़ करानी थी, चलो बाकी चल के कोच वगैरह जानते हैं, चलो भाई आप ही चलाओ। अरे एक चीज़ अंदर तो दिखाई दें आपको, लाइट भी चल गई आगे, ऑन करना भाई वो खींचो, ये देखो वॉम वाइट लाइट लगाई थी हमने पहले, जो वर्किंग नहीं करी थी अब वर्किंग भी करी है, इस साइड और इस साइड पीछे नहीं लगाई है हम लोगों ने, और इसका स्विच है वहाँ पर। अब एक बार समरी जान लेते कि हमने आज क्या क्या काम कराया, सबसे पहले था जो गाड़ी मिसफायर करी थी सीएनजी पर वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कराई, उसके बाद जो इसके साइड मिरर ना फोल्ड हो रहे थे ना एडजस्टमेंट काम कर रही थी तो वो रिजॉल्व कराया, बस लाइट जो इसकी वर्क नहीं कर रही थी टेल लाइट
वो भी हमने बल्ब चेंज कराए, तो ये समझ रही थी ये सारे हमने काम कराए। अब ओवरऑल कॉस्ट जान लेते हैं पार्ट और लेबर की कि क्या कॉस्ट चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्ट चाहिए 7500, 10-20 रुपये ऊपर नीचे, तो मोटा मोटा 7500 रुपये मान के चलो, 7500 ओवरऑल कॉस्ट है पार्ट और लेबर, जिनमें से सिर्फ लेबर लेबर हमारी लगी है 1000 रुपीज़। और ये काम दो जगह से हमने कराया है, अपने दीपक भैया के यहाँ से हमने कराया है मैकेनिकल वर्क जो मिस फायर कर रही थी। मिस फायर करने का रीज़न था इसका जो स्पार्क प्लग है और जो इग्निशन कोयल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, जिसकी वजह चारों ही इग्निशन कोयल चेंज करना पड़ गया। अब और अगर हम बात करें तो अपनी गाड़ी ओवरऑल चल चुकी है 75,000 किलोमीटर, और CNG पर हम चला रहे हैं जब ये 16,000 किलोमीटर चली थी पेट्रोल पर, और उसके बाद हमने इसमें CNG लगवा ली थी, तो ऑलमोस्ट CNG पर ये गाड़ी चली है 58,000 किलोमीटर। तो इतने टाइम के बाद इग्निशन कॉइल वीक होना हो जाता है, कोई इट्स नॉट अ बिग डील, स्पेशली वो CNG कार्स। अगर ये पेट्रोल ड्रिवन होती तो अभी तक ये बढ़िया चल रही होती। एंड फ्रेंड्स, हमने इसमें जो इग्निशन कोयल डलवाई है और अपना स्पार्क प्लग वो NG के ब्रांड का डलवाया है, होंडा जेन्युइन नहीं डलवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। और दीपक भैया ने बताया जो आप ये कोयल डाल रहे हो इग्निशन कोयल, वारंटी आती है 3 महीने, जबकि जेन्युइन की नहीं आती। मैंने चलो ठीक है, और कहते चलती है, चलो भाई बढ़िया है टेस्ट करके देखा जाए। भाई कॉस्ट में बहुत डिफरेंस था, ये कोयल थी हमारी ऑलमोस्ट 1200 की, और जो होंडा की जेन्युइन आती है समवेयर मोर देन 5000 की। तो वायरिंग का काम क्या है हमारे चेतन भाई ने, दोनों की कॉन्टैक्ट डिटेल भाई आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और दोनों के ही काम के लिए थम्स अप है, नो डाउट रिकमेंडेड पर्सन है दोनों ही। और मैकेनिकल वर्क कोई भी कराना है आपको कार से रिलेटेड, तो आप दीपक भैया के यहाँ जा सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क कराना चाहते हो अपनी किसी भी गाड़ी में, तो उसके लिए आपको आप चेतन भैया के पास जा सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल ही जाएंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, ये सारे काम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आने वाले टाइम में आप वीडियो देखने वाले हो उसके सस्पेंशन के ऊपर, अब इसका सस्पेंशन का काम रह गया और टायर्स का, फिर ये अपनी गाड़ी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। बस क्या व्लॉग करते हैं पर एंड, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका आपकी क्या एडवाइस है अपनी इग्निशन कोयल को रिलेटेड, कि हमें जेन्युइन ही डलवानी चाहिए, होंडा जेन्युइन वाली या NGK बेस्ट है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो आपसे मिलते हैं इसी वाले प्रोजेक्ट कार के अनदर एपिसोड में, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।